नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हो रही है और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है शून्य अंश के ग्रहों के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र जब शून्य अंश का होगा तो कुंडली में किस प्रकार से वो अपने फल देगा या उसके क्या परिणाम आपको जीवन में मिलने वाले हैं। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा प्रैक्टिकल मंच है और यहां पर हम कोई भी जानकारी आपको जो देते हैं वो बिना एग्जाम्पल्स के या बिना उदाहरण के नहीं देते हैं। हवा हवाई बातें हमारे चैनल पे नहीं की जाती है। शून्य अंश का जो कोई ग्रह होता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है, अगर आप वो सब देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो कृपया करके उनको दोबारा देखते रहिएगा। बात कर रहे हैं दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में, और शुक्र जब कुंडली में आपका शून्य अंशों का होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको आज बताऊंगा। और जैसा हम बार बार कहते हैं, हमारा एक प्रैक्टिकल मंच है और हम यहाँ बिना उदाहरण के कोई बात नहीं करते हैं। सुनी सुनाई या रटी रटाई बातें नहीं होती हैं, प्रैक्टिकल ज्योतिष की हम बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, शुक्र ग्रह जैसा कि आप सब जानते हैं, भोग विलास ऐश्वर्य एवं हमारे भौतिक जीवन का कारक माना गया है। वैवाहिक जीवन को भी हम इसी से ही देखा करते हैं। अधिकतर जितने भी विवाहितर संबंध होते हैं या विवाह से संबंधित सुखों की जो बातें होती हैं उनको शुक्र से ही देखा जाता है। तो अब अगर शुक्र 0 डिग्री का होगा तो वो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शुक्र जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सामाजिक रिश्ते, सामाजिक शिष्टाचार, मनोरंजन, संगीत, डिजाइन, वाहन, महिलाएं, विलासिता, सुख, आकर्षण और चुंबकीय शारीरिक आकर्षण का कारक माना गया है। जिस व्यक्ति का शुक्र 0 डिग्री पर होता है उसे रिश्ते फिर से शुरू करने के लिए ही जीवन में जन्म मिला होता है। ये समझ लीजिएगा कि उसने कहीं ना कहीं शुक्र के सुखों में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से भगवान उसको नया जन्म देता है ताकि आप नए सिरे से शुक्र का जीवन जी पाएंगे या जिएंगे। अब ये निश्चित करता है कि पिछली बार जो आपकी अवस्था रही है उससे आपको वर्तमान अवतार लेकर नई दिशा या नई धारा का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि सामाजिक मापदंडों को खोज करते हुए इस जीवन में आप उसको नए सिरे से आरंभ कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा पिछले कई जन्मों से चल रहा हो, व्यक्ति ने अरेंज मैरिज करने की सोची हो, नहीं हो पाई हो, या व्यक्ति ने प्रेम विवाह करने की सोची हो, नहीं हो पाया हो। इन सारी गतिविधियों को लेकर जब वो इस धरती पर दोबारा जन्म लेता है जो कि 0 डिग्री का शुक्र लेकर पैदा होता है, तो वो प्यार के लिए बहुत बेताबी से इंतजार करता है कि उसे जीवन में एक नया प्यार का स्वाद चखने को मिले। अब इस जीवन की अगर हम बात करें तो इसमें उसका कैसे अनुभव होंगे वो डिपेंड उसके इन कर्मों पे भी करेगा। ये शुक्र कितना उजागर है या उज्जवल है ये उसकी कुंडली के, ये भी देखा जाएगा कि किस राशि में ये शुक्र बैठा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जीवन की विलासिता और मधुर सुखों की कमी को दर्शाता है, क्योंकि शुक्र शून्य अंशों में होने के कारण आपको एक नया जीवन शुक्र के प्रभावों में ही उजारना होता है। आपको कामुक आनंद, बहुविवाह जैसे संबंधों से बचना या उनको ज्यादा करना इस जन्म में करने का योग बना देगा। व्यक्ति अवतारों के साथ इस नए जीवन में प्रवेश करेंगे, संयम से काम लेंगे या आनंदमय जीवन गुजारेंगे या विवाह के सुखों से वंचित रहेंगे या एक से ज्यादा विवाहेतर संबंध बनाएंगे। ये सब बातें इस जन्म में शुक्र के अंश के द्वारा देखी जाएगी। वो शुक्र किस राशि में है और वो क्या कर्म कर रहा है, ये सब चीजें भी देखी जाएगी। अब ये तो हमने आपको जनरल बता दिया कि शुक्र के प्रभाव क्या क्या होंगे, लेकिन अब यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम रटी रटाई या कोई भी ऐसी बात नहीं करते हैं जो सैद्धांतिक रूप से लागू नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ शेयर स्क्रीन के माध्यम से कुछ कुंडलियां बताऊंगा जिनमें आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि शुक्र जब शून्य अंशों का था तो उसने क्या परिणाम दिया, प्रोवाइडेड ये भी हम देखेंगे कि शुक्र किन राशियों में था। तो आइए शेयर स्क्रीन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। कुंडलियां मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, कुंडलियां आप देख रहे हैं। ये कुंडली हमारे पास जो सबसे पहले आई आई है या आती है, ये आप समझ ही गए होंगे, ये है लेडी डायना की पत्रिका। जी हाँ दोस्तों, लेडी डायना जैसे कि जानते हैं इंग्लैंड की राजकुमारी रही हैं, क्योंकि जो इनके पति थे वो राजकुमारी रहे, राजा वो बाद में बने हैं। तो इंग्लैंड की ये जो है शाही घराने में इनका विवाह हुआ, जैसा कि आप जान रहे हैं, 1 जुलाई 1961 2:40 को तुला लग्न में। कुछ लोग कतिपय विद्वान इनका जो है शाम का जन्म मानते हैं, उसमें वो धनु लग्न मान लेते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से कुंडली कामयाब देखी गई है वो तुला लग्न बताती है। तुला लग्न में इनका जन्म हुआ, जैसा आप सब देख रहे हैं कुंडली हमारे सामने रखी हुई है, और तुला लग्न का स्वामी ही शुक्र बनता है, और शुक्र के अंश अगर आप देख रहे हैं तो शून्य अंश का है। और जैसा कि आप जानते हैं शुक्र स्वराशि का ही होकर बैठा है। इनका विवाह जो है राजकुमार से हुआ जैसा कि आप जानते ही हैं, और इनकी शादी के बाद वैवाहिक जीवन
नाम मात्र का था या ज्यादा अच्छा नहीं था। ऑल्दो इनकी दो संतानें तो हुई, जिनमें आप जानते हैं कि राजकुमार दो पैदा हुए, लेकिन वैवाहिक जीवन का बहुत खराब रहा और कतिपय कुछ कारणों के बाद या कुछ समय बाद इन्होंने तलाक लिया। उसके बाद इनका एक और वैवाहिक संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ लगा रहा, लेकिन कई और संबंध भी रहे और बाद में इनकी रहस्यात्मक रूप से मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त इनकी जो है अंतिम यात्रा रही, या इनको दुर्घटना के तहत मृत मान लिया गया या मार दिया गया, जो भी आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र ने अपना प्रभाव वैवाहिक जीवन के लिए एक नए रूप में दिया, जो कि नए राजकुमार से इनका विवाह हुआ। हालांकि ये उन्हीं के ही यहाँ पर शासन काल में रहा करती थी, अच्छे घराने से थी, इनका लव अफेयर हुआ, शादी की, दो पुत्र भी हुए, फिर तलाक हुआ, उसके बाद इन्होंने अफेयर और किए और बाद में इनकी रहस्यात्मक मृत्यु हो गई। लेकिन शुक्र के प्रभाव से ये वंचित तो नहीं रही, शुक्र ने शून्य अंश का होकर वैवाहिक जीवन में तनाव या भौतिक सुखों में कमी तो अवश्य की। ये एक पहला उदाहरण था दोस्तों, अब हम दूसरा उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास आता है जो कि एक बहुत बड़े हॉलीवुड के अभिनेता है, जिनका नाम है केन्यू रीव्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, केन्यू रीव्स बहुत बड़े अभिनेता रहे हैं, जिनकी मूवीज की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स सीरीज में इनका जबरदस्त काम रहा है, और रिसेंटली ये जॉन विक नामक सीरीज में भी जबरदस्त अपने झंडे एक्शन के तहत गाड़ रहे हैं। इनकी पत्रिका में अगर मैं देख रहा हूं तो शुक्र जो है यहाँ पर कर्क राशि में जाकर बैठा है, और अल्टीमेटली इस कुंडली के लिए वो भाग्य का स्वामी बनता है। वैवाहिक जीवन इनका भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा, एक से ज्यादा अफेयर रहे, और जब जब जिस अभिनेत्री के साथ अभिनय किया उसके साथ इनके संबंध रहे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए कथा भी अच्छी भी कुंडली नहीं रही है, लेकिन गजब की बात यह रही कि इनका रोमानी जीवन तो खराब रहा ही रहा, व्यक्तिगत रूप से फिल्मों में भी ये रोमांटिक हीरो के रूप में नजर नहीं आए। इन्होंने एक्शन फिल्में जब की, जब इनका जबरदस्त विवाह हो गया, और उसके बाद ये पूरे विश्व में मैट्रिक्स सीरीज के द्वारा जाने लगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में इनको भी ज्यादा अच्छे सुख तो नहीं मिले हैं। यानी शुक्र ने शून्य अंश के प्रभाव विचित्र तरीके से दिए, एक से ज्यादा अफेयर कराए हैं, बावजूद उसको वैवाहिक सुख में कमी रखी है। बात करते हैं अगली पत्रिका की, तो अगली पत्रिका जो हमारे पास आती है दोस्तों, वो आ रही है एक महिला है जिनका जन्म 6 मई 1951 का 2:08 नीलगिरी का है, और इनकी पत्रिका में अगर हम देख रहे हैं तो एक खास बात जो नजर आती है, इनको विवाह का सुख नहीं मिला क्योंकि ये अंतरजातीय विवाह करना चाहती थी, घर वालों ने इनको विवाह करने नहीं दिया, और जिस कारण इन्होंने फिर विवाह किया ही नहीं, और तो इनको विवाह का सुख नहीं मिल पाया या ये वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए। पति पे इनकी इच्छा तो थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे शुक्र जो है वो मिथुन राशि में शून्य अंश का है, यानी चाहते हुए भी प्रेम विवाह करना चाह, अंतरजातीय विवाह करना चाह, लेकिन घर वालों की रजामंदी ना होने के कारण इनको विवाह का सुख नहीं मिल पाया और ये आजीवन कुमारी ही रही हैं। एक अन्य पत्रिका की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास और आती है, ये एक और पत्रिका है, ये पत्रिका भी एक महिला की है। इस महिला जातिका का विवाह हुआ, लेकिन इस महिला के विवाह के बाद ये देखा गया कि जब संतान हुई तो इनका भौतिक जीवन में या संसारिक जीवन में इंटरेस्ट खत्म हो गया, जिस कारण इनके पति ने इनको तलाक देना उचित समझा, और इसी बिहा पर इनको तलाक भी मिल गया। तो इनको तलाक लेना पड़ा या इनको तलाक मिल गया, कारण विशेष वही आएगा कि शुक्र यहाँ पर मिथुन का ही है लेकिन शून्य अंशों का है, तो यहाँ पर भी विवाह में खराबी मिली। लेकिन यहाँ पर एक विचित्रता ये है कि शुक्र जो है यहाँ पर वो सातवें भाव में ही है, और अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य के साथ बैठा है, जिससे शुक्र का प्रभाव तो कमजोर हुआ ही हुआ है। शुक्र यहाँ भाग्य स्वामी भी है, आने वाली पीढ़ी को भी बताता है। मैरिज होने के बाद एक संतान हुई जो कि पुत्री के रूप में हुई, उसके बाद इनका भौतिक जीवन में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो इनको पति इनके पति ने तलाक इनको इसी ब्याह पर दे दिया। एक अन्य पत्रिका हमारे पास आती है, ये भी एक लेडी महिला की है। इंटरेस्टिंगली ये हमारे परिचितों में आती हैं, और इनकी पत्रिका की खास बात यह है कि इन्होंने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया, ये खुद हिंदू रही लेकिन इन्होंने मुस्लिम युवक से विवाह किया है। विवाह नाम मात्र का रहा है क्योंकि युवक बहुत ज्यादा पैसे वाला था, इस महिला ने पैसे के कारण उससे प्रेम विवाह किया, और ऑल्दो दो संतानें भी हुई हैं लेकिन विवाह का वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब है। ये अपने पति को जूते की नोक पर रखती है, बिल्कुल मान सम्मान नहीं देती है, और उसके पैसों पे जबरदस्त ऐश करती है। इसके अलावा इनके विवाहेतर संबंध भी हैं जो कि पति जानता समझता है। अब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इनकी पत्रिका में भी शुक्र शून्य अंशों का है। तो दोस्तों ये करीब करीब मैंने आपको 5 कुंडलियां ऐसी बताई हैं जिनमें शुक्र जो था कमजोर अवस्था में या शून्य अवस्था में रहा। यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ 0 डिग्री अंशों की बात कर रहे हैं, धारा कारक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू मत कीजिएगा, वो एक अलग कहानी हो जाएगी। यहां पर मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ये है कि जब भी ग्रह शून्य अंशों का होगा
कोई भी ग्रह, तो वो अपने ही जो कारकत्व है उनमें कोई ना कोई प्लस माइनस तो अवश्य ही करेगा, अधिकतर माइनस ही देखने में आए हैं। यहां पर आपने देखा कि एक मेल और चार फीमेल की कुंडली हमने आपको दिखाई है, जिनमें कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी रही है, विवाहितर संबंध रहे हैं, एक सदा विवाह रहे हैं, या विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने के बाद तलाक हो गया, तो इस प्रकार की सारी भावनाएं जो है वो शुक्र के शून्य अंश पर होने पर पाई गई है। अगर आपके पास कुछ अन्य इस प्रकार की कुंडलियां हो तो अवश्य ही हमें प्रेषित कीजिएगा, ताकि हम अपनी शोध को और आगे बढ़ा सके। यहां मैं आपको बता दूं, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हम प्रैक्टिकल मंच की बात कर रहे होते हैं, और जब प्रैक्टिकली हम ज्योतिष में इन चीजों को अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रटी रटाई सुनी सुधाई सिद्धांत वाली बातें कर वो योग या वो फलित हमें नहीं मिल पाते हैं जो कि वर्तमान में घटित हो रहे होते हैं। यहाँ कुछ लोग ये कहेंगे कि शुक्र कमजोर है या शुक्र की इच्छा शक्ति नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन आप देखिए कि परिणाम लगभग सब में एक जैसे मिल रहे हैं। कहीं पे विवाह नहीं हुआ, विवाह की इच्छा थी, कहीं पे विवाह हुआ, एक से ज्यादा विवाह हुआ, विवाहेतर संबंध बने, कुल मिला के शुक्र के क्षेत्र को हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य मिली है जो कि भोग वाली जीवन से रिलेटेड रही है, क्योंकि शुक्र कारक है रोमांस भोग और ऐश्वर्य के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम जल्द ही एक इनामी प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, खासतौर से एक प्रश्न किया जाएगा जिसका जवाब सबसे सटीक होगा उस व्यक्ति का कुंडली विश्लेषण निःशुल्क रूप से, संपूर्ण विश्लेषण हमारे मंच पे लाइव किया जाएगा, और उसको हम यूट्यूब में भी डाल के आपको लाइव दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमने कुंडली को खोला है या हमने उसको खोलने की कोशिश की है। यदि आप हमारे इस मंच में पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। बहुत जल्दी ही हमारे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, उसी उपलक्ष्य में हम एक प्रतियोगिता आयोजन करेंगे जिसमें आप अपनी निशुल्क कुंडली का विश्लेषण देख पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।